मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो हम हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का जो पीएम बहरुद्दीन ओवैसी सीएम सबको हम इधर रहने के लिए अच्छा शुक्र गुजारिश कर रहा हूँ। फिर हमारे लिए जो फोरम आया था, ये फोरम में जो हम बंगाली देख रहा हूँ, बंगाली हम लोग नहीं है, हम लोग रोहिंग्या लिखना चाहता हूँ। रोहिंग्या लिखेगी तो हम लोग फॉर्म देने के लिए तैयार है, बंगाली लिखेगा तो हम लोग फॉर्म में दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, अभी आपको यहाँ पे कोई चीज़ का तकलीफ है? नहीं नहीं, हिंदुस्तान में हम लोग को कोई चीज़ का तबलीग भी नहीं, कोई नहीं सता रही, हम लोग को बहुत अच्छा से रह रहा हूँ। सीएम साहब कैसे? सीएम से भी अच्छे है, सब लोग अच्छे है, हिंदुस्तान का सब लोगों को शुक्रगुजार कर रहा हूँ। मैं बर्मा की रोहिंग्या मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया हैदराबाद में आके सहारा मिला है, इसलिए हम लोग ये वीडियो की वजह से ये मीडिया के सामने हमारा रोहिंग्या के बारे में सामने क्यों कुछ बात करने चाह रहे। हम लोग जो 2012 में हम लोग बर्मा से बर्मा हुकूमत ने हमारा माँ बहन को मेरे के सामने हमारा बड़ी बहन को जुल्म रेप करेगा तो हमारा छोटा बहन को बेइज्जती करके रेप करेगा तो बदश नहीं आ रहा बोल के इस जिस तब हम लोग निकल के आज रहे तब तब हमारा भाई चले गया, माँ चले गया, दोस्त चले गया, इसलिए हाँ के आज जानवर की तरह ज़िंदगी क्यों गुजारे इंडिया में। अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का हम लोग इंडिया का हर रास्ता का कुत्ता का भी शुक्रिया करता हूँ। हम लोग बर्मा में आज़ादी नहीं देखा, आज यहाँ आके आज़ादी किसको बोलता, आज़ादी यहाँ आके मालूम हुआ, इसलिए यहाँ की जो हैदराबाद के सीएम हैदराबाद पे जितनी धर्म का लीडर हूँ, मुसलमान का, सिख का, हमारा हिंदू भाइयों का, सब लीडर को सलाम करता हूँ, हर अमामों को सलाम करता हूँ। इसके बाद बस्ती वाला का भी शुक्रिया करता हूँ। हम लोग सुकून है क्यों, हम लोग किसी का इंजू से ना इंधन मिल रहे, ना किसी का तरफ से राशन मिल रहे, यहाँ के अमामी जो है सदका जगह से कच्चा करके राशन खिला रहे। इसमें हमारा माँ बहन ऐसे है 3-4 बच्ची लेके एक बेवा वो काम करके कैसे खाता, फिर भी बहुत राशन दे रहा अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग शुक्रिया करता हूँ। मगर हम लोग वो राशन के चक्कर में नहीं जा रहे, जो बर्मा में बर्मिस लैंग्वेज में हम लोगों को एमबीसी कास्ट देता, वो एमबीसी कास्ट का लायक नहीं हूँ, हम लोग रोहेंगे हूँ, हमारा बाप दादा सब बर्मा में पहली सिटीजनशिप मिला है, इसलिए हम लोग कैसा नहीं मिलता, हम लोग तो वहाँ पैदे हूँ, वहाँ पर देश है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भाग निकल जो बोलेगा जरूर नहीं है, जब तक हमारा देश में जो हमारा हक जिसके लिए हम लोग अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। एक्चुअली हम अभी इतना लोग इकट्ठा इसलिए हुआ है, हमारे को यहाँ का जो पीएस है वो पीएस से जो है नेशनलिटी वेरिफिकेशन फॉर्मेट जो है इंटरव्यू वो लेने के लिए आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रिया गुजारिश करते हैं यहाँ का सीएम साहब को, ये बिल्कुल हमारे को इस ये जो इंटरव्यू है इंटरव्यू के दौरान हमारे को कुछ भी इसके बारे में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हमारा सीएम जो है सीएम साहब हमारे को बहुत अच्छा है ये हम समझते हैं, और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी हम शुक्रिया गुजारिश करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी, क्योंकि हम हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार पा रही है। और दूसरा बात जो है हमारा को एक दिक्कत है, दिक्कत ये है हम जो है रोहिंग्या मुस्लिम है, तो फॉर्मेट इन पेस की तरफ से जो फॉर्मेट आया है अभी नेशनलिटी वेरिफिकेशन फॉर्मेट बोल के जो है उसमें एक दिक्कत ये हम देखा था, वो फॉर्मेट में एक अल्फाज इस्तेमाल किया है वहाँ, वो अल्फाज ये है हम बांग्लादेशी मुस्लिम बोल के लिखा हुआ है, बंगाली मुस्लिम बोल के लिखा हुआ है, मगर हम ये चाहती है हम बंगाली मुस्लिम नहीं है, हम रोहिंग्या मुस्लिम है, उसमें फॉर्मेट में सिर्फ इतना लिखना इतना चेंज कर देना बंगाली मुस्लिम का जगह में रोहिंग्या मुस्लिम लिख देना, ये हम गुजारिश करते हैं सरकार को। Thank you.